देखिए, ऐसा कई बार हम सब ने देखा होगा कि जब आप किसी गमले या घर के आंगन में कोई पौधा लगाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में अपने आप सूखने लगता है। आखिर इसके पीछे कौन सी वजह है, और अगर ऐसा है तो क्यों हो रहा है, इसके क्या मायने हैं और क्या इसके उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई घर ऐसे देखे हैं मैंने, इनफैक्ट मैं भी घर में कई बार गमले लगाती हूँ, उसका आप कितना भी सेवन करें लेकिन वो बार बार सूख जाता है, तो क्या ये कोई संकेत देता है? ये सबसे बड़ा पितर दोष का संकेत। जिन घरों के पितर असंतुष्ट होते हैं जी, उनके यहाँ लगे हुए सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। समुचित जल की व्यवस्था करने के बावजूद, खाद की व्यवस्था करने के बावजूद पेड़ पौधे सूख जाते हैं, और उनके घर में दुधारू गाय दूध देना बंद कर देती है, गाय और भैंस के बच्चे अचानक मर जाते हैं, गाय भैंस दूध देने में दिक्कत पैदा करती हैं, तो घर में पौधों का न लग पाना बेहद चिंता का विषय है। पौधे सबसे जल्दी किसी घर की ऊर्जा का स्तर महसूस कर लेते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है तो पौधे लग ही नहीं पाएंगे। कुंडली में खराब बुध और शुक्र की वजह से पौधे जल्दी सूख जाते हैं। पौधे अगर लग भी गए तो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से सूख जाएंगे। जहाँ पर तुलसी का पौधा न लग पाए वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति को स्किन से जुड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं, बात समझने में और अपनी बात समझाने में दिक्कत आती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और दांतों की समस्या सताती है। तुलसी के पौधे को ईशान कोण में ही लगाना चाहिए, माने पूर्व उत्तर के कोने में, नॉर्थ ईस्ट में ही तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। घर में कभी भी अंधेरा न होने दें, हमेशा रोशनी रखें, सुबह और शाम घर में दिया जलाएं और शंख बजाएं। घर में गंदे कपड़े कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, इन्हें शनिवार को निकालें और बेमुरुवत होकर के घर के बाहर कर दें। अगर आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो रहा है, टीवी फूक रही है, फ्रिज खराब हो रही है, कौन मशीन आपकी खराब हो रही है, तो जेब के साथ साथ ही आपकी किस्मत को भी बिगाड़ सकती है।